तो गरीबी और गरीबी पर जमकर सियासत हो रही है। भरे पेट वाले सफेदपोश खाली पेट का मजाक उड़ा रहे हैं और जब जनता सवाल पूछती है तो खेद जताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। सवाल यह है कि जिन्हें आम जनता की बुनियादी जरूरतों तक का अंदाजा नहीं, वो गरीबों का भला कैसे और क्या करेंगे? पहले बयान दो, फिर बयान से किनारा। ये कैसी राजनीति है? भूख का मजाक क्यों? राज बब्बर के 12 रुपए में खाना खिलाने के बयान के बाद तूफान खड़ा हो गया। राज बब्बर ने अपने बयान से बाद में किनारा तो कर लिया, लेकिन गरीबी और भूख जैसे मसलों पर दिए बयान को दूसरी पार्टियों को पकड़ते देर न लगी। आप मेरी तरफ से या भाजपा की तरफ से ये पैसे ले जाके किसी को 1 रुपया, जिसने कहा 5 रुपया और जिसने कहा 12 रुपया, वो उन तक पहुंचा दीजिए और आप कहिए कि आप कैमरे में उनकी फोटो उतारना चाहेंगी कि वो कैसे इसमें खाना खाते हैं और कहां खाते हैं। गरीबी घटाने के सरकार के आंकड़ों की बाजीगरी पर देश की सियासत पहले ही गर्म है। सरकार उस पर लीपापोती में जुटी है तो विपक्ष चुनौती देने में। लेकिन गरीबी और भूख की सच्चाई क्या है, शायद ये इन सियासतदानों को नहीं पता। देश की जनता के लिए ये नेता सियासत करते हैं, लेकिन उनकी हकीकत से ये कोसों दूर हैं। गरीब भूख से तड़प रहा है तो पक्ष और विपक्ष अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। बिहार में जहर भरा मिड डे मील खाने पर पहले 23 बच्चे मरे, तो अब यही बच्चे भूख से मर रहे हैं क्योंकि शिक्षकों ने मिड डे मील का बहिष्कार कर दिया है और मिड डे मील योजना में किसी भी तरह के सहयोग से इनकार कर दिया है। गरीब भूख और मौत झेल रहा है और नेता एक दूसरे पर टिप्पणी करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। सवाल ये है कि जिन सियासतदानों को यही नहीं पता कि इस महा महंगाई के दौर में 2 जून की रोटी कैसे जुटती है, उनसे जनता क्या उम्मीद करे? अनामिका रत्ना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।